दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल एंड यूजफुल सेंसर के बारे में। ये सेंसर है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। मतलब सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो आपको ये मॉइस्चर का परसेंटेज भी बता सकता है एंड मिट्टी ड्राई है या फिर वेट है इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल सेंसर है। तो आपने देखा होगा कि जनरली कई बार जैसे मान लो आपके घर में कुछ प्लांट्स वगैरह आपने लगा रखे होंगे और जब भी आप 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो आपको ये परेशानी होती होगी कि इन प्लांट्स को हम पानी कैसे देंगे। तो आप एक बहुत ही छोटा सा एक यूनिक सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए जिनको आप उसके अंदर प्लेस करके एंड आप आराम से घूमने जा सकते हैं, अपने घर से बाहर जा सकते हैं और जैसे जैसे मिट्टी ड्राई होती जाएगी ये सेंसर अपने आप उनको पानी देता जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से काम करता है एंड क्या क्या प्रोजेक्ट हम इससे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका नाम है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो सॉइल मॉइस्चर के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। तो इसके आगे ये जो प्लेट है ये सेंसिंग प्लेट है, इसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है। तो जब भी मिट्टी में पानी होता है या फिर मिट्टी ड्राई होती है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जस्ट सेंसिंग प्लेट बनाई हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है बट यहाँ पर अलग से इसका सेक्शन बना है ताकि पानी से सर्किट ख़राब नहीं हो। तो इसका जो सर्किट है वो हमें अलग से मिलता है। इस सर्किट को बोला जाता है कंपैरेटर आईसी। नॉर्मली ये क्या होता है कि कई सारे सेंसर्स में यूज़ आता है, जैसे कि रेनड्रॉप सेंसर में यूज़ आता है, एलडीआर में यूज़ आता है। तो ये जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर का मतलब क्या होता है कि कंपैरेटर अगर किसी भी सर्किट के अंदर किसी दो पॉइंट पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो उसको ये डिटेक्ट करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर में यहाँ पर ये जो दो प्लेट्स लगी हुई है इसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है और मिट्टी में अगर पानी होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास हो जाएंगे, मतलब आपस में यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी और कनेक्टिविटी हो जाती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज हो जाता है। और जैसे ड्राई में डालते हैं तो ड्राई मिट्टी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कम ज़्यादा होती है यानी कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, मतलब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको ये आईसी डिटेक्ट कर लेती है। अब देखो, इसके अंदर 4 पिंस होती है। फर्स्ट VCC, सेकंड है ग्राउंड, थर्ड है डिजिटल आउटपुट एंड फोर्थ है एनालॉग आउटपुट। तो देखो, एनालॉग आउटपुट यूज़ आता है इसका अगर जैसे मान लो आप मॉइस्चर का लेवल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कम मॉइस्चर है ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो एनालॉग पिन से हम जनरेट कर सकते हैं और एनालॉग पिन का डेटा रीड करने के लिए फिर यूज़ करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज़ करेंगे। जनरली अगर हमें किसी डिवाइस को ऑन ऑफ कराना है तो वहाँ पर हम पिन यूज़ करते हैं डिजिटल। अब देखो, डिजिटल पिन से हमें अगर मिट्टी ड्राई होगी तो सिग्नल मिल जाएगा और वेट होगी यानी गीली होगी मिट्टी तो हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो आपको हाई और लो में यहाँ पर सिग्नल मिल जाता है। तो अब हम इसका कनेक्शन एक सर्किट बनाते हैं, देन इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं एंड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई हम डायरेक्टली या तो आप पावर रेल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड इसके इस साइड के जो हमारा सेंसर है उसमें जो राइट साइड में यहाँ पर जैसे VCC, ग्राउंड, डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट है। तो जो इस साइड से जो सबसे फर्स्ट पिन है वो है हमारी VCC एंड सेकंड है ग्राउंड। तो इसके बैक साइड से हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट पिन है यहाँ पर, तो हम कनेक्ट कर देते हैं VCC एंड नेक्स्ट वाले पिन पे ग्राउंड। देखो, 9 वोल्ट बैटरी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, जनरली 5 वोल्ट के साथ यूज़ किया जाता है बट 9 पे भी ये अच्छे से काम करता है, कोई इशू इसके अंदर आता नहीं है। देखो, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर LED ऑन हो चुकी है। अब हमें जस्ट ये चेक करना है कि ये सेंसर वर्क करेगा। तो जैसे ही सिग्नल देगा तो ये वाली LED हमारी ऑन हो जाएगी। तो अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी होती है कि ये जो प्लेट है ये प्लेट अगर इससे कनेक्ट हो जाती है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होकर यहाँ चले जाते हैं तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो अब देखो, आपको इस LED को चेक करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी ये जो दोनों पिंस है, ये जो दोनों प्लेट्स है, ये यहाँ पर इनकी दोनों सेपरेट पिंस है। अगर इन पिंस को मैं इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से शॉर्ट कर देता हूँ, देखो तो आपको यहाँ पर LED ऑन होती हुई दिखाई दे रही है। इस कंपैरेटर IC में अगर आप देखेंगे तो देखो, जैसे ही मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो वहाँ पर आपको लाइट ऑन होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो जाता है तो ये LED ऑन हो जाती है। अब इसको हम चेक करते हैं मिट्टी के साथ में। तो देखो, मिट्टी के साथ चेक करने के लिए हमने दो कंटेनर लिए हैं,
एक कंटेनर में हमारे पास गीली मिट्टी है और दूसरे में सूखी मिट्टी है। तो अब हम क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए, मैं इसको इस तरीके से होल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको लाइट दिख जाएगी जैसे ये डिटेक्ट करेगा। अभी देखो नॉर्मली मैं इसको ड्राई मिट्टी में डालूंगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये बार भी है तब भी इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जैसे ये सूखी मिट्टी में भी है तो भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए हमारी LED यहाँ पर ऑफ है। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा के एंड गीली मिट्टी में डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पर LED हमारी ऑन हो चुकी है, मतलब अगर मिट्टी गीली होगी तो तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसको जैसे हम बाहर निकालेंगे तो देखो वहाँ से ये वापस ऑफ हो गई, जैसे वापस ड्राई मिट्टी में डालेंगे तो ये ऑफ ही रहेगी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग एक्चुएटर्स इन पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप LED कनेक्ट कर सकते हैं, बजर कनेक्ट कर सकते हैं, और रिले, ऐसे कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर कनेक्ट करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, सिंपल हम एक LED को कनेक्ट करके देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो LED को कनेक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो डिजिटल आउटपुट पिन है, डिजिटल आउटपुट पिन को तो मैं कर देता हूँ पॉजिटिव पे कनेक्ट, और जो हमारी ग्राउंड पिन है ग्राउंड पिन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव से। तो दोनों पास पास में ही है तो मैं LED को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ इनके इसके फ्रंट में बिल्कुल। तो अभी देखो अभी LED ऑन हो चुकी है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जब मिट्टी ड्राई होगी तो ये सेंसर हाई सिग्नल देगा, और जब मिट्टी गीली होगी तब ये सेंसर क्या देगा, लो सिग्नल देगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव पिन को सिग्नल वाले पिन पे कनेक्ट कर रखा है। अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे हमने इसको यहाँ लगा रखा है तो भी सेंसर की ये वाली LED ऑन है, तो इसको अभी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जैसे ही हम ये LED लगा देते हैं तो वो कंटिन्यूटी हो जाती है, इसकी वजह से हमें ऑन दिखाई देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिटेक्ट कर रहा है। तो LED को वैसे जनरली इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, रजिस्टर वगैरह का यूज़ करके अगर हम लगाएंगे तो ये वाली LED ऑन नहीं होगी। तो अभी हमारी ये जो रेड वाली LED है ये ऑन है। अब हम इसको अगर गीली मिट्टी में डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखो गीली मिट्टी में डालते हैं, रेड वाली LED हमारी ऑफ हो गई, और वापस इसको जैसे हम बाहर निकालते हैं या फिर ड्राई मिट्टी में डालते हैं तो ये ऑन हो जाती है। तो आप इस तरह का इंडिकेटर बना सकते हैं कि अगर जैसे मान लो मॉइस्चर नहीं है, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, तो ये LED हमारी ऑन हो जाएगी, रेड लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मॉइस्चर कम है। तो आप इसके अंदर जैसे ही पानी डालेंगे तो LED ऑफ हो जाएगी। अब देखो ये तो हो गई बात टेस्टिंग की। अब टेस्टिंग के अलावा जैसे मान लो आप यहाँ पर बजर भी लगा सकते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जैसे ये मिट्टी में जाता है, गीली मिट्टी के अंदर जाएगा तो यहाँ पर लो सिग्नल देता है, और इसके अंदर रहेगा तो हाई सिग्नल देता है। तो आप यहाँ पर बजर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड बजर अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करें, कई बार क्या होता है कि पावर का इशू रहता है, क्योंकि इस सर्किट को भी एक अप्रोप्रिएट पावर चाहिए होती है। जैसे हमने अभी LED लगा रखी है, इस तरीके से डायरेक्टली अगर आप कोई एक्चुएटर लगाते हैं तो वो पावर इसी IC से लेता है, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन है उन्हीं से वो पावर ले रहा है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि वो एक्चुएटर अच्छे से चल नहीं पाता है, ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक रिले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने सेंसर को पूरा चेक कर लिया है किस तरीके से सेंसर वर्क करता है, एंड आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाई और लो सिग्नल किस तरीके से जनरेट करता है। जब ये गीली मिट्टी में होता है तो लो सिग्नल जनरेट करता है, और जब ये ड्राई मिट्टी में होता है तो ये हाई सिग्नल जनरेट करता है। तो इस सिग्नल का यूज़ करके आप किसी भी एक्चुएटर को ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करके, हम इसको रिले के साथ यूज़ करके एंड किसी पंप को ऑन ऑफ कराएंगे, ताकि आप अपने घर में जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं उनको आप किस तरीके से 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक, मतलब जो भी आप वहाँ पर लगा के इसको छोड़ सकते हैं, बैटरी जब तक डिस्चार्ज नहीं होगी तब तक ये वर्क करता रहेगा, और इसमें पंप वगैरह का यूज़ करके कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है वो हम आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।